वट इज अप दिस इज़ योर फिट ट्यूबर Rahul. आज की वीडियो स्पेशल होने वाली है बिकॉज़ मैं एक प्रोडक्ट लेके आया हूँ काफ़ी टाइम के बाद ऐसी वीडियो कर रहा हूँ बट आई वॉज़ ईगर टू शेयर दिस अभी मेरे पास है जी एम न्यूट्रिशन का पीनट बटर जो कि एक काफ़ी न्यूली लॉन्च्ड प्रोडक्ट है एंड आज ही मुझे रिसीव हुआ है सो आई वॉन्टेड कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँ क्योंकि आप में से काफ़ी लोग सोच रहे होंगे इसे लेना चाहिए या नहीं इससे पहले मैं एक पिंटोला ब्रांड का पीनट बटर लेता आ रहा हूं काफ़ी टाइम से अमेजोन से मैं इसको मंगाता था ये एक ढाई के का बॉक्स आता है इसमें मुझे काफ़ी सेविंग होती थी एंड दिस इज़ आल्सो अ रियली गुड ब्रांड अकॉर्डिंग टू मी क्योंकि मैं इसको ऐसे तीन या चार डब्बे यूज़ कर चुका हूँ और मैं इसको यूज़ करता आ रहा था रिसेंटली ये आप देख सकते हैं ख़त्म हो चुका है तो ख़त्म हो गया तो मुझे लगा कि मंगाना चाहिए और आजकल कल मेरे डाइटिंग में इतना ज़्यादा कंजम्पशन नहीं हो रहा है मैं थोड़ा फैट साइड से आ, कोशियस हूँ तो मैं फ़ैट इनटेक कंट्रोल कर रहा हूँ तो जहाँ मेरा दिन में दो टेबल स्पून इनटेक होता था अभी वो एक टेबल स्पून पर लिमिटेड हो गया है तो मैं इतना बड़ा मंगाने का नहीं सोच रहा था तो मुझे लगा कि छोटा साइज मंगाना चाहिए फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जी एम न्यूट्रीशन का पीनट बटर ट्राई करूं सो so, मैंने इसको ऑर्डर किया और आज इसको मैंने अपनी पोस्ट वर्कआउट स्मूदी में एक स्कूप डाल के टेस्ट भी किया और जो चम्मच के ऊपर लगा रह जाता है उससे मैंने इसको रॉ टेस्ट भी करके देखा ये आप देख सकते हैं तो दिस इज़ क्रंची वर्जन जो uh, रॉ खाना है तो बेटर है, क्योंकि जो वाला है, वो आपके मुंह के अंदर चिपकने लगता है सो लेट्स प्रोडक्ट इसमें जो डिस्क्रिप्शन है बहुत ही क्रिस्टल क्लियर एकदम सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया गया है इसकी एक सर्विंग 32 ग्राम बताइए जो कि दो टेबल स्पून के इक्वल होती है लगभग जिसमें आपको कैलोरीज मिलेगी 204 कैलोरीज प्रोटीन जिसमें होगा 10 ग्राम सी पीनट बटर किस चीज़ के लिए हम लेते हैं द मेन रीज़न जिसके लिए हम पीनट बटर लेते हैं वो है हेल्दी फैट्स जो अनसेचूरेट फैट्स होते हैं पॉली एंड मोनो अन फैट्स दो दोज आर द हेल्दी फैट्स और पीनट बटर एक उसका अच्छा सोर्स होता है जिसकी वजह से हम इसे लेते हैं बट सिर्फ ये एक ही रीज़न नहीं है इसके अलावा पीनट बटर इज रिच इन फाइबर जैसा कि आपको पता है फाइबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉल मूवमेंट इसके अलावा भी फाइबर के काफ़ी फंक्शन हैं दैट इज द अनदर रीजन जिसकी वजह से हम पीनट बटर लेते हैं ऑल्सो इसमें प्रोटीन भी uh, ज़्यादा होता है कंपेयर टू अदर सोर्सेज ऑफ फैट्स इसकी वजह से हम भी इसको लेते हैं बट प्रोटीन इज नॉट द मेन रीजन बिकॉज प्रोटीन के सभी सोर्सेज होते हैं हमारे दे आर मेनली द लीन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन जैसा कि हम इसमें देख सकते हैं कार्ब्स uh, इसमें पाँच ग्राम है टोटल फैट सिक्सटीन ग्राम्स है जिसमें से सेचूरेट फैट जो कि बैड फैट है दैट इज़ लिमिटेड टू थ्री ग्राम्स ओनली और जो अन सेचुरेट फ़ैट्स हैं दैट इज़ टोटल थर्टीन ग्राम्स जिसमें से चार ग्राम पोलियन सेचूरेटेड और नॉन अन सेचूरेटेड इज नाइन ग्राम्स रियली गुड फॉर अस कोलेस्ट्रोल कंट्रोल करने के लिए वी रिक्वायर अन फैट्स जो हमारे एच डी एल को लेवल uh, को इंक्रीज़ करते हैं और एल डी एल को डाउन लेके आते हैं विद इन लिमिट्स सो दैट इज़ द मेन पर्पज़ और शुगर इज़ वन ग्राम इन वन सर्विंग मैं इसकी एक सर्विंग पूरी नहीं लेने वाला हूँ आई एल कंज्यूम वन टेबल स्पून बिकॉज मेरा फैट इनटेक अदर सोर्सेस से भी होता है तो मैं उसको काउंटिंग में रखता हूँ अपना टोटल मैक्रो बैलेंस कैलकुलेट करने में इसका जो टेस्ट है वो पिंटोला से थोड़ा मुझे अलग लगा दोनों ही रोस्टेड पीनट को ग्राइंड करके बनाए गए हैं इसका टेस्ट डिफरेंट तरीके का था और मुझे अच्छा लगा मुझे थ्री हंड्रेड एंड थर्टी नाइन रुपीज़ का पड़ा दिस इज़ बॉक्स ऑफ सेवन फिफ्टी ग्राम्स इस पे जो प्रिंट रेट है वो थ्री एट्टी नाइन रुपीज़ का है और जो इसकी पैकेज डेट है पैकिंग डेट आई थिंक इट इज़ थ्री और एट आई एम नॉट श्योर आठ जुलाई मंथ की है सो so ये बहुत रिसेंटली ही पैक्ड है और फ्रेश है इसको अगर आप बॉक्स ओपन करके और इसके ऊपर जो एलुमिनियम रैप होता है वो मैं निकाल चुका हूँ अगर आप निकाल देते हैं तो आप इसको फ्रीज में रखिए फ्रेशनेस इसकी मेंटेन रखने के लिए बेस्ट बिफोर नाइन मंथ्स लिखा है इसमें पीनट बटर काफी अच्छा चल जाता है इफ़ यू कीप इट इन फ्रीज पीनट बटर के साथ एक फिनोमिना होता है मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि क्या होता है कि जब आप पीनट्स को ग्राइंड कर देते हैं तो उसमें से ऑयल सेपरेट होने लगता है तो जब ऑयल सेपरेट होता है तो वो तैर के ऊपर आ जाता है और थिक पीनट बटर नीचे रह जाता है तो आप जब शुरू में कंज्यूम करेंगे और अगर इसको मिक्स नहीं करेंगे तो आप मेजोरिटी फ़ैट पार्ट कंज्यूम कर लेंगे स्टार्टिंग में और जब नीचे पहुंचेंगे तो जो थिक पीनट बटर बचा होगा वो नीचे जमा रहेगा जो कि काफ़ी ड्राई जैसा लगेगा उसमें चिकनाई नहीं होगी क्योंकि फ़ैट सब तैर के ऊपर आ गया था तो जनरली जब भी आप इसको कंज्यूम करें तो आप उसको मिक्स करें सो so दैट कुछ फ़ैट नीचे तक चला जाए और फिर जब आप पून भर के निकालें तो सिर्फ एक्स्ट्रा फ़ैट नहीं आए अच्छे से पीनट बटर विद फैट मिक्स हो के आए अदरवाइज जब आप नीचे पहुँचेंगे तो बहुत ही थिक पीनट बटर बचेगा फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस वन लास्ट वाले को मैंने काफ़ी मेहनत से स्क्रैप कर करके निकाला इसमें और अभी आई डू माई डर्टी वर्क हाथ डाल के आई क्लीन इट अप एंड आई डोंट लाइक वेस्टिंग इट सो दैट आई विल डू टू मोरो सो दैट्स वेटी मच अबाउट दिस पीनट बटर मुझे इसका टेस्ट अच्छा लगा इट्स लिटिल डिफरेंट और काफ़ी रो पीनट का टेस्ट आता है इसमें कोई एडिड फ्लेवर्स uh, या सॉल्ट नहीं है आप कभी भी किसी भी ब्रांड का पीनट बटर लें उसमें आपको ध्यान रखने की सबसे इम्पोर्टेंट बात है इज़ दैट जो उसमें सोर्स ऑफ फैट है वो पीनट से आना चाहिए uh, क्या होता है कि अगर आप लो क्वालिटी के सस्ते पीनट्स को ग्राइंड करेंगे और उनमें अगर ऑयल नहीं हुआ जनरली जो सस्ते पीनट्स होते हैं दे आर नॉट दैट रिच इन ऑयल इसलिए वो सस्ते होते हैं तो पीनट ऑयल अगर उनमें कम होगा तो जनरली उसमें अलग से ऑयल्स मिला दिए जाते हैं विच इज विच यू डो नॉट रिक्वायर सो यू नीड टू मेक श्योर कि जो पीनट बटर है उसमें जो ऑयल है दैट कम्स फ्रॉम द पीनट इट्स और उसमें कोई एडिड हाइड्रोजिनेटेड ऑयल नहीं होना चाहिए दैट यू नीड टू मेक श्योर और अच्छी बात पीनट की एक और होती है कि जो इसके अंदर प्रोटीन है दैट इज ग्लूटन फ्री इट्स सेल्फ रीड्स द द पीनट बटर इज़ ग्लूटेन फ्री इट हैज़ नो प्रिजर्वेटिव नो सॉल्ट शुगर क्योंकि टेस्ट के लिए जनरली ब्रांड्स क्या करते हैं उसमें सॉल्ट और शुगर मिलाते हैं उसको कैरामल जैसा फ्लेवर देने के लिए बट आई डोंट थिंक शुरू में आपको थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा एक रॉ पीनट बटर खाने पर बट एज द टाइम विल गो आप इसको ज़्यादा प्रेफर करेंगे बिकॉज दिस इज समथिंग रियली रॉ जस्ट लाइक द रॉ पीनट्स

go down that I strike I go hard day